हेलो दोस्तों, डीएचएफएल की न्यूज खत्म नहीं हुई है और वीडियो कॉन पर अर्जेंट न्यूज आई है। दोस्तों ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, लेकिन इतना अर्जेंट था कि मुझे ये आपके साथ शेयर बिल्कुल जल्दी से करना पड़ रहा है। दोस्तों इसका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया गया है एनसीएलटी के द्वारा, और उसमें साफ साफ कहा गया है इक्विटी शेयर को डीलिस्ट किया जाएगा बीएससी और एनएससी में। ये कभी भी ये न्यूज आ सकती है, ये कभी भी डीलिस्टिंग की न्यूज आ सकती है। हमने देखा था डीएचएफएल में इन्वेस्टर्स को एक दो दिन का टाइम मिला था और स्टॉक बिल्कुल अपर सर्किट में था, तभी भी मौका था। फिर बाद में जो ट्रैप्ड हो गए उनके लिए तो पूरी इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो गई। जनरली क्या होता है, कोई स्टॉक 10% गिरता है तो आपके 1 लाख में से 90,000 होते हैं, यहाँ तो पूरा 1 लाख के जीरो। और सेम चीज वीडियो कॉन में होने वाली है, इसको आपको समझ के रखना है। दोस्तों वीडियो कॉन या पेनी स्टॉक पर मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इनके इनहेरेंट रिस्क होते हैं। लेकिन ये समझाना बहुत ही इस वीडियो में जरूरी है कि अगर आपके आपके फ्रेंड्स के पास अगर ये है तो कुछ नहीं मिलेगा अगले कुछ दिनों में, इक्विटी शेयर बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, ये वीडियो कॉन पर बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट है। अब देखिए, ये न्यूज मैं बना रहा हूं, ये अपडेट मैं बना रहा हूं, और वीडियो कॉन इस समय में जब 15 जून को 1 बजे के करीब आप देखिए अपर सर्किट में है, मतलब अभी भी अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचोगी, देखिए टेलीग्राम में मैंने शेयर किया हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कम्युनिटी पेज सब जगह मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां पर जाइए। और जो भी है दोस्तों, ये अगर आपके पास है तो जो भी मुझे बहुत ही डेंजरस लग रहा है, अगर आप यहाँ पर इस काउंटर पर अगर है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वेदांता ने ले लिया है और बहुत ये सब र्यूमर्स पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने जब डीएचएफएल का जब वीडियो बना रहे थे, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है तब जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ऐसे 2-3 केसेस हमको इतनी बड़ी बुल मार्केट में लग रहे हैं 2021 खत्म होते होते आएगा, और ये तो जून खत्म नहीं हुआ और एक और केस आ गया है वीडियो कॉन का। तो बच के रहना है, यहाँ पर एनसीएलटी ने यहाँ पर जो प्लान है अप्रूव कर दिया है। अब इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में नेगेटिव न्यूज अगर आप देना शुरू कर देंगे, क्या फैला रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, क्या ये, तो उससे अच्छा है, बेटर है आप गूगल में जाके आप सर्च कर लीजिए मेरी बात गलत है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल अनलाइक कर दीजिए। जो भी गंदा आपको लिखना है लिखिए, बहुत लोग लिखते हैं लेकिन फिर बाद में जैसे डीएचएफएल में हुआ फिर सबका मुंह बंद हो जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वेदांता न्यूज पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, वो ट्विन स्टार जो कंपनी है वेदांता की जो सब्सिडियरी है, तो वो वेदांता है और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो बैंक्स हैं उनके बीच में ये है। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर की बिल्कुल क्लियर बात है कि इक्विटी जो है वो बिल्कुल यहां पर एक्सटिंग्विश होगी, जीरो होगी, एनएससी बीएससी से ये डिलीस्ट भी होगा। अब आपके हाथ में है, ये जो वीडियो आपके हाथ में पहुंच रहा है, तो डिलीस्ट हो उससे पहले आपका जो भी है, जो भी लॉस में है तो लॉस, प्रॉफिट में तो प्रॉफिट, आप निकल जाए तो कुछ हाथ में आएगा, कुछ नहीं नहीं निकल पाते तो फिर तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब हुआ क्या है, अब ये लास्ट की न्यूज है, शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे, ट्विन स्टार जो वेदांता की सब्सिडरी है उसका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो एक्सेप्ट हो गया एनसीएलटी के द्वारा। लिक्विडेशन वैल्यू जो है 2568 करोड़ की है, क्लेम्स ये सब रुपए में है 64,938, मतलब 65,000 करोड़ के क्लेम्स थे, उसमें 2,500 करोड़ का ही उनको पैसा मिल रहा है। मतलब आप खुद सोचिए, जो बैंक्स हैं वो खुद ही 100 रुपए में 5 रुपए की उनकी रिकवरी हो रही है, वो खुद ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ हम इक्विटी इन्वेस्टर जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं। अगेन बेसिक कॉमर्स ये क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट है, सीए सीएफए आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप इनलाइटन कीजिए, लोगों को इनलाइटन कीजिए कि किस हिसाब से जो इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो वो न्यूज को आप जरूर बताइए। तो उनको खुद ही जो डेट वाले हैं, जो बैंकर्स हैं, उनको खुद ही 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इक्विटी वाले तो बिल्कुल लास्ट में ही है। और हाँ ये है कि उनको फिर जो भी नई एंटिटी होगी उसके 8% का इक्विटी शेयर मिलेगा, तो नई एंटिटी का भी बहुत लोगों को ये होगा कि हमको वेदांता के शेयर मिल जाएंगे या फिर वो नए में हमको कुछ बोनस, तो दोस्तों यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो जैसे हमने टाटा केमिकल टाटा कंज्यूमर के समय में देखा था कुछ हमको स्टॉक इधर से उधर मिल गए थे, वो सब कंपनियां जब अच्छी खासी चलती है तब, ये सब एनसीएलटी के केसेस है, लिक्विडिटी सब लिक्विडेशन में केसेस है दोस्तों, दिवालिया हुई गई हो गई कंपनियां है दोस्तों। एनीवे संभल के रहना है दोस्तों, वीडियो को ये आप शेयर कीजिए,
और कमेंट सेक्शन में आप नेगेटिव लिखेंगे उससे बेहतर है, एक बार थोड़ा सा गूगल जरूर कर लीजिएगा कि क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसे जो खबरें उड़ रही है कि हमको शेयर मिल जाएगा वो वेदांता का, वो सब र्यूमर्स ही है, दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।